का नाम निर्मल कौर है और ये मुदल गांव के रहने वाले हैं। जिस सिस्टर की गवाही दे के 4 साल से इनके ब्रेस्ट के नीचे दर्द रहती थी और इनके पेट में भी दर्द थी इन्फेक्शन के कारण रहती थी। और जे बताते कि उसकी मेडिसिन तो जे नहीं थे रहते क्योंकि जे 3 साल से इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े थे और जे विश्वास करते थे कि परमेश्वर मेरी इस प्रॉब्लम को अच्छा कर चुके। पर 27 साल हो चुके थे कि इनको कब्ज की प्रॉब्लम थी और उससे जे बहुत परेशान थे, बहुत सारी जे मेडिसिन खा रहे थे। और जे बताते कि जैसे मैं संगति में आती थी पर जे कब्ज की प्रॉब्लम के कारण इनको मेडिसिन लेनी पड़ती थी। और जे बताते कि जैसे जे संडे के दिन ऑयल मीटिंग के आए और जे सिस्टर ने भी ऑयल अप्लाई किया और जे बता रहे कि जो दोनों प्रॉब्लम थी, जो 27 साल से कब्ज की प्रॉब्लम थी और 4 साल से इनके पेट में इन्फेक्शन और छाती में दर्द रहती थी, परमेश्वर ने उस ऑयल को जैसे इन्होंने अप्लाई किया आज इन दोनों प्रॉब्लम से जो टोटली फ्री हो चुके। सुनो 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 हालेलुया। सुनो, ये छोटी बात है पर ये धीरज धरना क्यों लिखा है, आवश्यक क्या, जरूरी है। बोलो क्या है धीरज धरना? अगर नहीं हुआ काम, है ना, आज 2 हफ्ते पहले वो मीटिंग हमने की, अगर उस समय नहीं हुआ तो ये विश्वास में बने रहे, क्या रहे, धन धन आप क्या करते रहे उस चीज के लिए। जब अपने अगर आप बता रहे हो विश्वास का आधार पे परमेश्वर मेरे बात, आप रोज परमेश्वर को थैंक्स गिविंग मतलब धन्यवाद देते रहे हो कि अगर वो चीज तूने अपने दास को वर्ड ऑफ ऑयल दिया है तो वो जो तेल को मैंने अप्लाई किया है, आप उस चीज के लिए रोज धन्यवाद करते रहे धन्यवाद कर कि आप मेरी ये बीमारी से मुझे आजाद कर चुके। ये देखो, ये इसे कहते हैं विश्वास। ऐसे नहीं कि अगर मैंने आज विश्वास किया, आज अप्लाई किया तेल, काम नहीं हुआ, कल विश्वास किया, परसों किया, चौथ किया और 5वें दिन अपना विश्वास छोड़ दिया, क्योंकि अपनी अभी हमने वो मीटिंग 2 हफ्ते पहले की, इन्होंने अपना विश्वास छोड़ा नहीं। जैसे बाइबल बताती है अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो क्योंकि जिसने वादा किया वो सच्चा है। इन्होंने इस तरीके से विश्वास किया कि वो चीज परमेश्वर तूने वो वर्ड ऑफ ऑयल मतलब, क्योंकि ये मिनिस्ट्री कभी भी ऐसी अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग ये चीजें नहीं करती, पता है ना, पता ना, ये नहीं करती, क्योंकि ये मीटिंग में खुदा के वर्ड पे लोगों को निर्भर रहने की शिक्षा दी जाती है जिससे परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है, क्योंकि परमेश्वर ने खुद अपने नाम से ज्यादा महत्व किसे दिया, अपने वचन को दिया। पर मैं इस बात के लिए प्रेर कर रहा था, परमेश्वर ने ये दिया तो इन्होंने भी उस चीज को मन से लिया, अपने मन से लिया ना, क्योंकि आपको पता है कि हम तो कोई अनॉइंटिंग ऑयल, हाँ कोई अनॉइंटिंग वाटर मीटिंग कोई करते नहीं है। तो आपने ये विश्वास किया कैसे, आप थोड़ा सा बताओ मुझे। मैं विश्वास ये कह पे परमेश्वर ये तू ही कर चुका, तेरे विच बड़ी मैं तेरे ची रहूंगी, तेरे ची मरूंगी, जो भी काम करना तेरे ची करेंगे, बस मैं परमेश्वर दा रात दिन। हाँ, ये धन्यवाद करते रहे उस बात के लिए, रात दिन धन्यवाद करते रहे, समझ आ रही है। और इस तरीके से करने से, क्योंकि ये 3 साल से इस मिनिस्ट्री से जुड़े हैं और 27 साल की ये प्रॉब्लम है कब्ज की, 27 साल। एक मेरे परमेश्वर ने मेरी जिंदगी से और बहुत बड़ा काम किया। नहीं, एक बात सुनो, कोई बात नहीं, वो बात नहीं बताना। 27 साल से 3 साल हो गए इन्हें इस मिनिस्ट्री से जुड़े, बोलो, पर ये लगातार उस चीज के में विश्वास में बने रहे। देखो परमेश्वर काम करेगा, क्या करेगा, हर एक चीज को करेगा। और प्लस इनकी और क्या प्रॉब्लम थी, इनके ब्रेस्ट के नीचे दर्द और पेट में इन्फेक्शन के कारण, पेट में इन्फेक्शन रहती, और उस दिन जब इन्होंने उस वर्ड ऑफ ऑयल को अप्लाई किया तो आज ये पूरी तरह उस क्या है, फ्री हो चुके, फ्री हो चुके हैं। बोलो क्या है, ये छोटी बात है, बोलो छोटी बात है, छोटी बात है, ये जिसका अभी तक नहीं काम हुआ, जिसने इस चीज को किया है वो धन्यवाद करो और विश्वास करो और जोर से तारीफ करो कि परमेश्वर मेरे जीवन में भी कर चुके। जोर से, जोर से, जोर से, जोर से हाथों को उठाकर, हाथों को उठाकर तारीफ करो कि परमेश्वर आप मुझे भी फ्री कर चुके हो। जैसा इस बहन का विश्वास है वैसा मन, वैसा विश्वास आप मुझे दे चुके हो और आप मेरे जीवन में भी अपनी बड़ी महिमा को प्रकट कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया।